श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री गुरुदेव भगवान की कृपा मूर्ति है और उन गुरु तत्व की गुरुदेव की श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय आप वंदना कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में श्री गुरु पाद पद्म उनकी वंदना कराए, इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गुरु जी की शरणागति कल देने के बाद में साधक का भी ये कर्तव्य बनता है कि वह उनकी सेवा करे। गुरु जी की सेवा करना यह भी साधक का कर्म कर्तव्य बन रहा है। गुरुमुख पाद गुरुमुख पद्म वाक्य हृदय कौरी महाशौक्य
आर्म परी है मने आशा श्री गुरु चरण रति एही से उत्तम गति जे उसारे पूरे सर्व आशा श्री प्रभु अपने प्राप्ति के उपायों को शास्त्र में प्रतिपादित करते हैं, परंतु शास्त्र के अर्थ गूढ़ है, हमने अज्ञान की अधिकता है। ऐसी स्थिति में बिना गुरुदेव के शास्त्र के तात्पर्य को भी समझना कठिन है। इसलिए शास्त्र के तात्पर्य को समझने के लिए गुरु की शरणागति साधक को लेनी ही पड़ेगी। गुरु मुख पद्म वाक्य, श्री गुरुदेव के मुख से शास्त्र के जो वचन निकलेंगे उन वचनों में उनका अपना अनुभव, उनका अपना रियलाइजेशन वो भी विराजमान है, वो भी छपा हुआ। इसलिए एक और गुरु के वाक्य गुण अर्थ को खोलेंगे जो हमारी समझ में केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं आएगा। दूसरे उन्होंने जो अनुभव किया है वो अनुभव भी उनके वाक्यों में समाया हुआ होगा। इसलिए श्रीमद् गुरुदेव शास्त्र के वचनों की मुख्य रूप से व्याख्या करने वाले, जैसे कहा ही जाता है कि शहद भोरे बुहार की मक्खी से प्राप्त होता है, शहद की मक्खी से प्राप्त होता है, परंतु शहद तत्वतः महार की मक्खी का उत्पाद नहीं है, वह उत्पाद है फूल का। मक्खी शहद को पैदा नहीं कर रही है, शहद तो फूल में विराजमान है, परंतु यदि कोई ये चाहे कि भाई फूल में इंजेक्शन लगा करके और उसके शहद को निकाल लिया जाए तो संभव नहीं। शहद को निकालने के लिए, शहद को प्राप्त करने के लिए मक्खी की आवश्यकता पड़ेगी। यद्यपि शहद मक्खी का उत्पाद नहीं है, शहद मक्खी का प्रोडक्ट नहीं है, परंतु मक्खी शहद को प्राप्त करने के लिए मक्खी की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। इसी प्रकार शास्त्र के वचन वे श्री गुरुदेव के उत्पाद नहीं है, वे शास्त्र में विराजमान हैं, परंतु उनके तत्व को जानने के लिए संत गुरु वैष्णव जिनमें जिन्होंने कुछ अनुभव किया है उनकी कृपा की आवश्यकता अनिवार्य है। बिना उनके तत्व के, उनके आश्रय के शास्त्र के तत्व को नहीं जाना जा सकता। तो श्री गुरु मुहर पाद पद्म पाठ, शास्त्रों में कोई वस्तु विराजमान है परंतु वो शास्त्रों की वस्तु गुरु के मुख के द्वारा सामने निकलेगी। गुरु हो गए मक्खी बुहार, और जो शास्त्र का तात्पर्य है वो हो गया शहद जो फूल में विराजमान, पर वो निकलेगा श्री गुरु के माध्यम से। वाक्य कहने का तात्पर्य है कि आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात संयुक्त शब्दों के समूह को बाकी है। आकांक्षा योग्यता सन्निधि से अन्वित शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। गुरुमुख पद्म वाक्य, किसी वाक्य में आकांक्षा होनी चाहिए, ऐसे शब्द जो आकांक्षा के बल पर जुड़े हों। किसी ने कहा पानी से, इतने में आकांक्षा तो जगह क्या करें, वृक्ष को
फिर आकांत है कि क्या करें, फिर सींचो। तो आकांक्षा विराजमान शब्दों का समूह है वाक्य, परंतु वे शब्दों के समूह कहीं ना कहीं आकांक्षा से जुड़े हुए हैं। एक शब्द दूसरे शब्द की आकांक्षा, दूसरे शब्द का कहीं रिक्वायरमेंट वह प्रकट कर रहा है, और अंत में जाकर के जब आकांक्षा पूरी होती है तो एक वाक्य बनेगा। परंतु आकांक्षा मात्र से ही जुड़े हुए शब्दों के समूह को वाक्य भी कहा जाएगा, उनमें एक दूसरा गुण भी होना चाहिए। वो दूसरा गुण है योग्यता। एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ में मिलने की योग्यता भी होनी चाहिए। अब जैसे कोई ये कहे कि जल अग्नि आकाश, तो फिर क्या हुआ, वाक्य तो नहीं बना। शब्दों का आकांक्षा तो है पर तो वाक्य नहीं बनेगा। तो योग्यता भी होनी चाहिए। योग्यता का तात्पर्य है जैसे जल से वृक्ष को सींचता है, अब कोई अग्नि से कह दे अग्नि से वृक्ष को सींचता है तो योग्यता नहीं आएगी। सींचने की जो योग्यता है वो जल में है, सींचने की योग्यता अग्नि में नहीं है। इसलिए आकांक्षा भी होनी चाहिए, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ में योग्यता भी होनी चाहिए। एक शब्द दूसरे शब्द के साथ में कहीं कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, उस कार्य के करने में वास्तव उसमें वो शब्द दूसरे शब्द के साथ में कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, योग्य भी होना चाहिए। फिर जल से कहा ये तो सुबह 6 बजे पर, और वृक्ष को ये कहा दोपहर को 12 बजे, और सींचना चाहिए सींच दो ये कहा जाए यदि सांझ के 4 बजे पर, तो वाक्य नहीं बनेगा। सारे वाक्यों को शब्दों को एक साथ बोलना पड़ेगा तब जाकर के वाक्य बनेगा। इसलिए वाक्य की परिभाषा दी कि आकांक्षा योग्यता संधि इनके साथ अंगित जुड़े हुए, अंगित माने जुड़े हुए शब्दों का समूह वाक्य कहलाएगा। तो गुण मुख पाप पद्म, श्री गुरु गुरु के मुख से मधुर जो स्वर हैं वे मधुर स्वर वाक्य वे अपने आप निकलेंगे, और उन वाक्य में साधक के लिए जो तात्पर्य है वाच्य है वह वाच्य सामने प्रकट होगा। श्री शास्त्र के वचन बड़े कठिन हैं, उनको सामान्य बुद्धि साधक नहीं जान सकता है। श्री गुरु का गुरुदेव का अनुभव भी उसमें विराजमान है। ऐसी स्थिति में श्री गुरुदेव के उन मुख कमल से प्रकट होने वाले उन मधु को हम कहीं प्रकट करें। शास्त्र है पद्म, श्री गुरु के मुख से शास्त्र का वो माधुर्य कहीं सामने प्रकट हो रहा है, वो भी वाक्य के रूप में प्रकट हो रहा है, जहां पर पूरा वाच्य ध्वनि वाच्य तात्पर्य वह सामने प्रकट हो रहा है। श्री गुरुदेव अत्यंत अत्यंत कृपा पूर्वक स्नेह में उपदेश वाक्यों को प्रकट कर देंगे, परंतु गुरुमुख वाक्य पद्म कौन से होंगे, बोले जो शास्त्र के अनुकूल है वे ही वचन गुरु वचन कहलाएंगे। यदि शास्त्र के अनुकूल नहीं है तो वो व्यक्ति का वचन होगा, वो गुरु का वचन नहीं। गुरु के वचन सर्वदा शास्त्रानुमोदित ही होंगे। गुरु पदवी को धारण करने वाला यदि कोई व्यक्ति यदि स्वार्थ में आकर के अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए यदि कोई वचन कहता है और वो वचन शास्त्र के अनुकूल नहीं है, तो उनको गुरु वचन ये कहने का पद प्राप्त नहीं होगा। वे ही वचन शास्त्रीय गुरु वचन कहलाएंगे जो शास्त्र के अनुकूल है। नए आजकल तो भगवान बहुत घूम रहे हैं, तो जो
स्वयं भगवान बने हुए हैं, ऐसे लोग यदि अपने स्वार्थ के लिए यदि कोई वचन कहे तो वे वचन गुरुवचन नहीं कहला सकते, क्योंकि वे शास्त्र के अनुकूल नहीं है। गुरु के वचन हमेशा शास्त्र के साथ में, शास्त्र से मैच करते हुए ही होंगे, ये एक निष्कर्ष। और यदि वे शास्त्र से मैच करते हुए नहीं है तो ऐसे वचनों को न मानना, यह इसमें कोई दोष नहीं। निजे लक्ष्य को साथ में रख करके साधक को आगे बढ़ना पड़ेगा, ये एक सिद्धांत की बात। हृदय करी महाशक्य, क्योंकि गुरुदेव के जो वचन हैं वे महाशक्य भगवत प्राप्ति को कराने के साधन है, महाशक्तिशाली होकर के विराजमान। अब यदि कोई व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेवल पर, एक व्यक्तित्व के लेवल पर कोई व्यक्ति यदि अपने शिष्य को आदेश देता है और वो आदेश भगवत प्राप्ति में सहायक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो वचन जीव का कल्याण नहीं करेंगे बल्कि उसे व्यवहार में ही डालने वाले होंगे। इसलिए महाशक्य हृदय करी महाशक्य, महाशक्य का तात्पर्य है कि श्री गुरुदेव के वचन सर्वदा सर्वदा भगवत प्राप्ति में सहायक होकर के ही विराजमान हैं, उनमें अपूर्व शक्ति है और उनके द्वारा श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन प्राप्त होगा। यदि ऐसा नहीं है तो व्यक्तिगत लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए या शिष्य की लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए कहे गए केवल मुंह देख करके कहे गए प्रशंसा में, शिष्य की प्रशंसा में, खुशामद में कहे गए वचन, यदि गुरु शिष्य की खुशामद करते हुए वचन कह रहा है तो वो भी कहीं फलीभूत नहीं है। होनी चाहिए महाशक्य ठीक कृष्ण चरणारविंद में ले जाने वाले। और इधर उधर की बात बकवास हो रही है तो भीड़ भरे इकट्ठी हो जाए, परंतु वे महाशक्य वचन नहीं होंगे। भीड़ तो सब जगह देख रहे हैं, खूब भीड़ है, तो भीड़ इकट्ठी कर लेना। इसलिए इसी बात को श्री रूप गोस्वामी जी ने बड़े मधुर प्रकार से कह दिया कि गुरु शिष्यादि धन शिष्यादि द्वारे या भक्ति संप्रज्यते विदुरत्वात् उत्तमता अन्य मात्र योगोत्तर साधने। यदि कोई कार्य धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है या शिष्यों को एकत्रित करने के लिए किया जा रहा है गुरु शिष्यादि द्वारे, या धन के बल पर कराया जा रहा है या शिष्यों के बल पर किसी के ऊपर दबाव डाल करके कराया जा रहा है, दोनों चीज जिसका उद्देश्य शिष्य को एकत्रित, शिष्यों की भीड़ को इकट्ठा करना है या जिसका उद्देश्य धन को इकट्ठा करना है और भगवत सेवा नहीं है, तो विदुरत्वा ऐसे वचन भी विदुर है और उत्तमता हानि हान्या उनमें उत्तमता की हानि भी है, उत्तमा भक्ति का लक्षण उनमें प्राप्त नहीं है। अन्यागराजता शून्यम ज्ञान करना देनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, ये लक्षण उसमें घटित नहीं होता। तो यदि भीड़ इकट्ठी करने के लिए या धन इकट्ठा करने के लिए कोई कार्य किया जा रहा है तो और उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं है, भगवत सेवा नहीं है, वैष्णव सेवा नहीं है, भगवत सेवा नहीं है, तो विदुरत्वात् उत्तमता हानि, वो भक्ति से दूर भी है और उत्तमा भक्ति के क्षेत्र में वह नहीं आता है। इसलिए मात्र योगोत्तर साधने उसका साधन में प्रयोग नहीं है। श्री उज्जैन भक्ति रसामृत में श्री गुरुसंपात आप आदेश करते। इसी प्रकार जहां स्वयं भक्ति करने की इच्छा है नहीं और केवल यदि कोई अभिमानी शिष्य धन के जोर पर भक्ति करना चाहे और उसके हृदय में भावना नहीं है, धन के बल पर कोई कार्य कराना चाहे तो उसका भी इतना खर्चा मैं कर दूंगा बस, और तुमको जैसे दिखे करो मैं आऊंगा नहीं, तो ऐसा मतलब क्या कि खर्चा मैं भिजवा दूंगा मैं आऊंगा नहीं, तुमको जो करना हो जैसे करना हो वैसे करते रहना,
तो जहां पर धन के लिए धन के द्वारा सेवा कराई जाए वो सेवा भी प्रधान नहीं है। श्री बल्लभाचार्य जी ने तीन प्रकार की सेवाओं का वर्णन किया, एक तमजा, दूसरी वित्तजा और तीसरी मानुषी। श्री बल्लभाचार्य जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मानसी सा परामता, इनमें मानसी सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है। मानसी का तात्पर्य है जिसमें मानसी का तत्व क्यों क्यों मन के द्वारा नहीं, तमजा भी हो रही है तमजा, तो वित्तजा की अपेक्षा धन के द्वारा की गई सेवा की अपेक्षा तनुजा श्रेष्ठ सेवा ज्यादा श्रेष्ठ, पर तनुजा श्रेष्ठा के साथ में भी कहीं मानसी भी मिली हुई होनी चाहिए। केवल धन खर्च करके केवल अभिमान अपना कि मेरा नाम छप जाए, ये तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा को खर्च करके और शिष्य ने अपने पास में ले ली और एक तरह से अपना एडवर्टाइजमेंट कर दिया, उसका नाम है तनुजा सेवा, नहीं वित्तजा सेवा। वित्त के द्वारा वह सेवा का कौतर विराजमान है, पर वित्तजा सेवा मुख्य नहीं है, मुख्य सेवा है तनुजा। श्री अम्बरीश महाराज अपने हाथ से सेवा करते हैं, अपने हाथ से श्री मंदिर उनमें मंदिर वस्त्र कर रहे हैं और रोज देख रहे हैं कौन है जो मेरे आने के पहले यहाँ चोरी करके चला जाता है, जो सेवा मुझे मिलनी चाहिए थी वो सेवा पहले से दीती है, कौन यहाँ पे झाड़ू पोछा करके सब चला जाता है और मैं आता हूँ तो बिल्कुल साफ 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 सफाई दिखती है, कौन है। एक दिन छिप करके रात को बैठ गए और देखा महारानी जी आ रही हैं और वे सेवा कर रही हैं, तो पकड़ लिया एकदम चोर चोर पकड़ो पकड़ो, और कह रहे हैं कि आज पकड़ने में आया है चोर, मेरी जो सेवा थी उसको मैं ये रोज सोचता था कि कौन चोरा करके ले जाता है, तो आज वो चोर पकड़ा है। तो ये है तनुजा सेवा, मुख्यतः मुख्य सेवा शरीर में तनुजा ही, वो वित्तजा जो सेवा है वो परम गौण है, वो भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है वो भी करनी चाहिए, पर वित्तजा सेवा के साथ साथ कहीं तनुजा सेवा भी करनी चाहिए, और तनुजा सेवा के साथ साथ केवल वित्तजा और तनुजा कर रहे हैं परंतु कहीं मन नहीं जुड़ा हुआ है सेवा के साथ में तो भी काम नहीं चलेगा, मन की भावना भी उस सेवा के साथ में जुड़ी होगी कि भाई हम स्वयं वो कार्य नहीं कर सकते हैं इसलिए कहीं पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। अब ये तो संभव है नहीं कि ठाकुर जी का मंदिर बनाना है तो अपने आप चिनाई कर लें, मकान बनाने के लिए तो मजदूर बुलाना ही पड़ेगा, उसके लिए तो कहीं धन की भी जरूरत पड़ेगी, सामान की भी जरूरत पड़ेगी, पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो कार्य को अकेले किया नहीं जा सकता है, तो वित्तजा सेवा भी जरूरत है, पर उसके साथ में भी मानसी जुड़ी हुई होनी चाहिए। मानसी जुड़ी हुई नहीं है और केवल वित्तजा सेवा है तो वो भी काम नहीं करेगी। इसी प्रकार तनुजा सेवा की जा रही है परंतु तनुजा सेवा पूरी नहीं हो सकती है, भाई मेहनत करने के लिए तुम तैयार हो परंतु कहीं ठाकुर जी का मंदिर बनाना है तो ईंट पत्थर संगमरमर टाइल्स सब भी तो चाहिएंगे, उनके लिए तो धन ही चाहिएगा, तो केवल तनुजा सेवा हो वित्तजा नहीं हो तब भी काम नहीं चलेगा, परंतु दोनों के साथ में मानसी भी चाहिए, इसलिए तनुजा वित्तजा इनमें मानसी सापरा मुख्य रूप से सेवा होनी है, मानसी प्रधानता है उसकी। फिर वित्तजा, फिर इसके बाद में मुख्य रूप से फिर मन जो तनुजा जो सेवा है वो अपने हाथ से भी सेवा, जो अपने हाथ से किया गया वो ही सेवा तत्वतः मुख्य है, ये नहीं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा कि धन शिष्यादि विद्वारी, पैसा खर्च कर लिया या आप कुछ कर दो सेवा करने के लिए, पुजारी रख दिया पुजारी सेवा कर रहा है, अभी कोई बात है क्या, पैसा देकर के सेवा कराना, जब तुम सेवा कर सकते हो तो स्वयं सेवा करो, सहायता के लिए सेवा अपने हाथ से होनी चाहिए, नौकर रख करके उसके द्वारा सेवा करा रहे हैं ये नहीं, जहां जरूरत है वहां पर दूसरे की सहायता भी ली जाएगी,
परंतु मुख्य सेवा तपजा है। तो सबसे पहले है मानसी, मानसी के बाद में है तमजा, फिर इसके बाद में आई वित्तीय। तो कृष्ण सेवा सदा कार्य, तत्सिद्धि तन वित्तीया, बल्लाचार्य जी की पंक्ति है कि श्री कृष्ण सेवा करनी चाहिए परंतु उसके लिए तनुजा और वित्तीया ये सेवा भी करनी चाहिए। मानसी चेतस तत्पूर्ण सेवा मानसी सा परामला, पूरा श्लोक है कि कृष्ण सेवा सदा कार्य तत्सिद्धि तनुवित्तीया चेतस तत्पूर्ण सेवा तत्सिद्धि मानसी सा परामला। तो मानसी जो सेवा है उसको विशेष रूप से, तो यहां पर करें हृदय कौरी महाशक्य, हृदय से श्री गुरुदेव की सेवा करते हुए विराजमान हो। मुख्य रूप से श्री गुरुदेव के साथ में हृदय का जो संबंध है उसको रखते हुए विराजमान। तो श्री गुरु मुख पद्म वाक्य, श्री गुरुदेव के मुख से ही जो शास्त्र का सिद्धांत है वह शास्त्र के सिद्धांत के मधु को हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि मधु वह यद्यपि मक्खी का उत्पाद नहीं है, वह उत्पाद है पुष्प का, पर उसे प्राप्त कर किया जा सकता है एकमात्र मक्खी के माध्यम से ही, किसी दूसरे माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। गुरुदेव के बेवचन जो शास्त्र के अनुकूल है, शास्त्र से सीधे जुड़े हुए हैं, वे वचन को लाभदायक होंगे, वे वचन को वास्तव में परम परम हितकर हैं, और जो वचन शास्त्र के अनुकूल नहीं है ऐसे वचन गुरु वाक्य नहीं है। ऐसे वचन कहीं व्यक्ति के स्तर पर कहे गए वचन हैं, इसलिए प्रमाण जो है वह मुख्य रूप से प्रमाण, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थित, शास्त्र ही मुख्य प्रमाण होकर के विराजमान। परंतु हम शास्त्र को समझते नहीं है, इसलिए शास्त्र के वचन जो गुरुदेव के माध्यम से निकले हैं और शास्त्रानुकूल है, भगवत भजन में भगवत भक्ति में जो प्रवृत्त कराने वाले हैं, ऐसे गुरु के वचनों का हम निरंतर निरंतर सेवन करें। गुरुमुख पाद पर गुरुमुख पद्म वाक्य, मुख गुरुदेव के हृदय में विराजमान है भक्ति, भक्ति में जो माधुरी है वो माधुरी ही उनके मुख से सामने प्रकट हुआ। संतगण एक बड़ी सुंदर बात कहते रहे कि जो खाया गया है वो ही डकार आती है। श्री गुरुदेव ने निरंतर निरंतर उस माधुर्य का आस्वादन लिया है, इसलिए उनके मुख से जो डकार आ रही है वो सर्वदा सर्वदा जो उनका अपना अनुभव है वही कहीं उनके वाक्यों के माध्यम से मुख के सामने से प्रकट होता है। तो गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के मुख से उत्पन्न होने वाला जो वाक्य है वो शास्त्र से ही प्रेरित है, और शास्त्र से प्रेरित होने के कारण ऐसे वाक्य गुरु वाक्य कहलाएंगे, अर्थात वे शास्त्र का ही सरल ढंग से हम जैसे समझ जाएं उस प्रकार से श्री गुरुदेव उन वचनों को कहेंगे। हृदय करी महाशक्य, उनको अपने हृदय में करो, और हृदय में करके वे गुरुदेव के वचन महाशक्य हैं, परम परम ताकतवर होकर के विराजमान। अतः गुरुदेव की सेवा भी वह केवल वित्तीया करके सेवा पूरी नहीं हो सकती है, केवल तनुजा कहने से भी करने से भी क्या, बैठे तो हैं अश्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं परंतु अश्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं तो वो भी पूरा नहीं। तो वित्तीया भी होना चाहिए, तनुजा भी होना चाहिए, शरीर से भी करना चाहिए, परंतु उनको चलाने वाला जो मूल तत्व है वो है मानसी। श्री गुरुदेव के प्रति हृदय में सेवा, भगवत सेवा की कामना
लोग हृदय में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, इसलिए हर हृदय करे महाशक्ति। यदि मन में सेवा करने के अंकुलन कृष्णानुशीलन की यदि भावना है तो फिर वो सेवा वह परम शक्य होकर के प्रभावशाली होकर के विराजमान। अनेक अनेक ये संतगण इनका चरित्र देखे मने दीपता है कि श्री गुरुदेव की सेवा को कैसे ये परम हृदय से करते हुए विराजमान। ऐसे कोई अद्भुत बात नहीं है, ऐसे दृष्टांत बहुत सारे आज भी दिख रहे हैं, दिखते हैं। तो हृदय करी महाशक्ति जो श्री गुरुदेव के जो वचन हैं उनको हृदय में बैठाओ और हृदय में बैठा करके वे महाशक्ति होकर के महा ताकतवर होकर के विराजमान हैं। शक्ति को दो प्रकार से देखा जा सकता है कि गुरुदेव के मुख से वचन से भजन भी बढ़ेगा, उनके आशीर्वाद का बल है तो भजन भी बढ़ेगा। इसी तरह से यदि कभी पाप बने हैं, अपराध बने हैं, तो महापुरुषों के वचन है, महापुरुषों के वचन कि कैसे बड़े से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, यदि वो आंसू धार दे, उसके आंसू की एक छींटा भी यदि किसी के ऊपर पड़ जाए या आंसू वैसे बह बह जाए और यदि वो ये प्रार्थना कर दे श्री प्रभु से कि प्रभु इस जीव को आप संभाल, तो बड़े से बड़े अपराधी के अपराध नहीं होते। ये बिल्कुल सत्य। श्री गुरुदेव किसे तो सदनुग्रहो भवान, श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं सदनुग्रहो भवान, आप संत जनों के माध्यम से अनुग्रह करने वाले हैं। गुरुदेव कब इस जीव के ऊपर आप प्रार्थना करें कि यदि आपने प्रार्थना कर दी, आपने इस जीव की दयनीय दशा को देख करके कभी आंसू धड़का दिए तो इस जीव के जितने भी न जाने ये तो अपराध का खजाना है, ये जीव तो अपराध का खजाना है। पर यदि गुरुदेव यदि कृपा करते हो, गुरुदेव एक बार यदि उनके नयन से आंसू बह जाए और यदि एक आंसू का छींटा एक सीकर फुहार भी यदि प्राप्त हो जाए या कहीं आंसू बह जाए और श्री प्रभु के सामने वे प्रार्थना कर दें कि आपको इस जीव को अपनाना है प्रभु, कब अपनाओगे, तो फिर ठाकुर अवश्य ही अपना पर अद्भुत बात है।